नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाएंगे स्पीड न्यूज में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। किशनगढ़ में डीजीजीआई के छापे, रूपनगर रोड स्थित मार्बल मंडी में छापे मारे गए हैं। करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ये छापेमारी। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है कि फर्जी बिलों से जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला डीजीजीआई की जयपुर आंचलिक इकाई ने की है कार्रवाई। अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध ली है। तो जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, और इसी के चलते अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल कोठारी जुड़े हुए हैं। विमल, अहम खुलासा होने की उम्मीद और हड़कंप जरूर नजर आ रहा होगा जब ये छापे मारे गए तो। बिल्कुल सही कहा, ये जो छापे मारे हैं, इन छापों के साथ में हड़कंप होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसका कारण ये है कि डीजीजीआई की टीमों ने तीसरी बार किशनगढ़ के अंदर छापेमारी की कार्रवाई की है। इससे पहले दो बार और कार्रवाई हो चुकी है। इन सभी कार्रवाईयों को फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी टैक्स क्रेडिट लिए जाने से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले का सूत्रधार 20 फरवरी को गिरफ्तार हुआ सूरत खाजड़ बताया जा रहा है, जिसने 33 करोड़ रुपए की आईटीसी हेराफेरी करने का आरोप है और जो अभी भी जेल में बंद है। जानकारी ये मिली है कि सौरभ छाजेड ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक फर्जी बिलों का एक रैकेट चलाया था। उस रैकेट से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, जिनके खिलाफ डीजीजीआई अधिकारियों के हाथ में प्रमाण लगे हैं, उन सभी के यहाँ कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई न केवल आज हुई है, बल्कि भविष्य में और ऐसी कार्रवाई होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी देश में लागू हुआ था, उस समय मार्बल व्यवसाय को 28% जीएसटी के स्लैब में रखा गया था। 28% एक बहुत बड़ी अमाउंट है टैक्स के लिहाज से। इस लिहाज से ये माना जाने लगा था कि जो मार्बल के ऊपर टैक्स दिया जा रहा है, उस टैक्स में भारी भरकम चोरियां होगी, और ये चोरियां हुई भी। एक साल बाद 28% की जीएसटी स्लैब को घटाकर 18% कर दिया गया, और लेकिन इस 18% टैक्स चुकाना भी मार्बल कारोबारियों और मार्बल के जो माइनर्स वगैरह हैं जो इसकी बिक्री करते हैं, उनको गवारा नहीं किया। इन लोगों ने मिसमैच को देखते हुए कुछ ऐसे जीएसटी स्लैब्स में सामान का सेल दिखाया जिसके ऊपर 5% जीएसटी ही लगता था, और करोड़ों रुपए का एक फर्जी बिल्कुल। तो 28 से घटाकर 18 कर दिया गया, लेकिन ये टैक्स चुकाना भी लोगों को भारी पड़ रहा है। इसी वजह से फर्जी बिलों के जरिए जीएसटी की चोरी की जा रही थी। छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। तकरीबन दलबल के साथ यहाँ टीम मौके पर पहुंची और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अहम खुलासा होने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।